भारत में स्कूली शिक्षा के स्तर में हमेशा से कमियां रही हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि 8वीं में पढ़ने वाले 30% से ज्यादा बच्चे आज भी दूसरी क्लास का सिलेबस पढ़ने में भी नाकाम हैं। ASER यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 में बताया गया है कि कैसे 8वीं क्लास के सिर्फ 44% बच्चे ही डिवाइड यानी भाग कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में प्राइवेट ट्यूशन के बढ़ने, स्कूलों की सुविधाओं में गिरावट होने की बात भी कही गई है। क्या कहती है ASER की ये रिपोर्ट, बताएंगे न्यूज़क्लिक रिकॉर्ड्स के इस वीडियो में। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन की आखिरकार बिहार की राजनीति में बड़ा फिर बदल देखने को मिल रहा है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 780 जिले और 6,40,867 गांव हैं, जिसमें से ASER ने 616 ग्रामीण जिलों के 19,060 गांवों का सर्वे किया है। इसमें 3 से 16 वर्ष तक की आयु के 6.9 लाख बच्चों को शामिल किया गया है, ताकि उनकी स्कूली शिक्षा की स्थिति दर्ज की जा सके और उनकी बुनियादी पढ़ाई और समझ का आकलन किया जा सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि महामारी के दौरान स्कूल बंद हो जाने के बावजूद 6 से 14 साल तक के बच्चों का जो नामांकन दर था, वो पिछले 15 सालों में 95% ज्यादा रहा है। यानी 6 से 14 साल की उम्र वालों का जो नामांकन साल 2018 में 95.2% दर्ज किया गया था, वो अब बढ़ के करीब 99% हो गया है। 3 से 16 साल के वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, इनका अनुपात भी सबसे निचले स्तर यानी 1.6% हो गया है, जो साल 2018 में 2.8% का था। बात अगर सरकारी स्कूलों की करें तो 2018 के मुकाबले 2022 में तेजी से नामांकन हुए हैं, यानी जो नामांकन प्रतिशत 2018 में करीब 66 था, वो 2022 में बढ़कर करीब 73% हो गया है। हालांकि इससे पहले साल 2006 से 2014 तक सरकारी विद्यालयों में नामांकन की दर बेहद कम थी। ASER की रिपोर्ट साल 2014 के मुताबिक ये आंकड़ा तब 64.9% का था, जो अगले 4 सालों तक वैसा ही बना रहा था। आपको ये भी बता दें कि ये रिपोर्ट 4 साल बाद जारी की गई है, इससे पहले 2018 में जारी की गई थी। स्कूल में बच्चे ज्यादा जा तो रहे हैं, मगर उनकी शिक्षा का हाल क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। कोरोना के कारण लंबे वक्त तक स्कूल बंद थे, जिसके बाद बच्चों की बुनियादी साक्षरता, समझ और आकलन करने की क्षमता में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, कक्षा 3 के बच्चों का प्रतिशत 2018 में करीब 28% से गिरकर 2022 में 21% हो गया, जो कक्षा 2 के स्तर पर पढ़ सकते हैं, ये वो बच्चे हैं। वहीं 2018 के स्तर से 10% से ज्यादा की गिरावट दिखाने वाले राज्य ये हैं। केरल में 2018 में ये दर करीब 53% की थी, जो 2022 में करीब 39% की हो गई है। हिमाचल प्रदेश में ये दर पहले 48% की थी 2018 में, जो अब करीब 29% तक की हो गई है। हरियाणा की बात करें तो ये दर 2018 में 47% की थी, जो अब जाकर 32% तक नीचे गिरी है। कक्षा 5 में नामांकित बच्चों का अनुपात, जो कि कम से कम कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं, वो 2018 में करीब 51% था, जो कि अब गिर कर 2022 में 43% तक का हो गया है। ये रिपोर्ट बताती है कि 8वीं क्लास के बच्चों में जो बुनियादी पढ़ने की क्षमता है, उसमें कमी दिखाई दे रही है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि जो 3री और 5वीं क्लास के बच्चे हैं, उनमें देखे गए रुझानों की तुलना में ये थोड़ी कम है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी या निजी स्कूलों में कक्षा 8 में नामांकित करीब 69% बच्चे 2022 में कम से कम बुनियादी पाठ पढ़ सकते थे, 2018 में ये बच्चे 72% के थे। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि करीब 30% से ज़्यादा बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ने वाले दूसरी क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं। गणित की भाषा में कहें तो 3री क्लास के वो बच्चे जो कम से कम घटाव यानी सब्ट्रैक्शन जानते थे, उनके प्रतिशत में भी गिरावट आई है। यानी ऐसे बच्चों की जो संख्या साल 2018 में करीब 29% की थी, वो 2022 में गिरकर 26% तक रह गई है। हालांकि जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इनके आंकड़ों ने थोड़ी राहत जरूर दी है। इन तीनों राज्यों में आंकड़े लगभग स्थिर हैं, जबकि हरियाणा, मिजोरम और तमिलनाडु में करीब 10% की गिरावट इसमें देखी गई है। तमिलनाडु में 2018 में ये प्रतिशत करीब 26 का था, जो 2022 में 12 का हो गया। मिजोरम की बात करें तो 2018 में इसकी संख्या करीब 59% की थी, जो 2022 में घटकर 42% हो गई। जबकि हरियाणा में भी 10% की गिरावट देखी गई है, 2018 में ये प्रतिशत 54 का था, जो कि अब गिरकर 2022 में करीब 42 का हो गया है। ASER की रिपोर्ट कक्षा 8 के बारे में कहती है कि बुनियादी गणित के मामले में प्रदर्शन थोड़ा अलग है।
राष्ट्रीय स्तर पर भाग का सवाल हल कर पाने वाले बच्चों का अनुपात थोड़ा बेहतर हुआ है। ये 2018 में 44.1% का था, जबकि 2022 में थोड़ा सा बढ़कर 44.7% का हो गया है। रिपोर्ट कहती है कि ये जो बहुत थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, ये लड़कियों और सरकारी स्कूल के बच्चों को ज्यादा सीखने की इच्छा के कारण ही हुआ है, जबकि भाग बनाने के सवालों में लड़कों और निजी स्कूलों की क्षमता में गिरावट देखी गई है। कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कक्षा पांचवी के, तीसरी के, जो बेसिक चीजें नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, फाउंडेशन लिटरेसी लिटरेसी के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो अब इस पर काम करने की जरूरत है। चूँकि टारगेट जो FLN का है 2025-26 तक का है कि 100% जो है बच्चों को निपुण बनाना है, तो अब जो बच्चों का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे है। अब 100% ले जाने के लिए हमें काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। एंड ट्यूशन की बात करें तो पेड ट्यूशन का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ा है। UP जैसे राज्यों में भी नेशनल लेवल पर भी उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। तो ये कुछ मुख्य निष्कर्ष इस असर में है और ये एक सबको हम सबको एक इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बेसलाइन टाइप का ये हो गया है। क्योंकि कोविड के बाद की रिपोर्ट है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसपे है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। ग्रामीण भारत में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। सरकारी हो या गैर सरकारी, दोनों ही स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है। फीस देकर ट्यूशन पढ़ने वालों का अनुपात साल 2018 में करीब 27% का था, जो 2022 में बढ़कर 31 तक पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में तो 8% की बढ़ोतरी देखी गई है। अंत में स्कूल की सुविधाओं की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि लड़कियों के शौचालय का जो अनुपात 2018 में 67% का था, वो 2022 में 68.4% हुआ है। हालांकि ज़रूरी प्रसाधनों के हिसाब से इसे बहुत बड़ी वृद्धि नहीं कहा जा सकता। पेयजल वाले स्कूलों में भी वृद्धि देखने को मिली तो है, ये साल 2018 में करीब 75% की थी और 2022 में बढ़कर 76 तक पहुंची है। हालांकि गुजरात जैसे राज्य में पीने के पानी वाले स्कूलों की संख्या में गिरावट आई है, यहाँ ये संख्या 88% से घटकर 72 तक पहुंच गई है और कर्नाटक में भी 77 से घटकर अब ये 67 तक हो गई है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए newsclick.in को। हमारा सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखने के लिए शुक्रिया।